Hi everyone. Good evening and welcome back to An Academy's YouTube चैनल. मेरा नाम सुप्रीत है एंड आप लोग मुझे लाइव देखते हैं यहाँ पे 2 दिन के लिए, ट्यूसडे एंड सैटरडे एट 4 PM. आज ट्यूसडे है एंड हम लोग वापस आ गए हैं अपने यूट्यूब सेशन को स्टार्ट करने के लिए. आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको सारी पॉल साइंस की इंटरेस्टिंग क्लासेस मिलेंगी. आप यहाँ के बेस पेज पे जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं. बिफोर आई स्टार्ट टुडेज क्लास, हेनरी फ्योल का क्लास है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर टॉपिक. बहुत MCQs आते हैं, सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चंस आते हैं, ये बात करेंगे. 1 सेकेंड बिफोर दैट, 1 सेकेंड. तो आप जब 4 बजे आज लाइव आ रहे थे तो पीछे से एक न्यू कोड है जो लाइव हुआ है एग्जैक्टली 4 बजे, यानी कि एग्जैक्ट अभी 4 बजे हमें एक नया ऑफर मिला है. वो अनलॉक 20 है, यानी अन अकेडमी के सारे सब्सक्रिप्शंस पे आपको 20% ऑफ मिलेगा, लेकिन सिर्फ 16 फरवरी तक, एक दिन के लिए. ये ऑफर 4 बजे अभी लाइव हुआ है. कल 12 बजे मेरा न्यू MCQ PYQ कोर्स स्टार्ट हो रहा है प्लस पे, और 4 दिन पहले मेरा थ्योरी कोर्स स्टार्ट हुआ है. तो अगर आपको ये दोनों कोर्सेस कल ज्वाइन करने हैं तो आप अनलॉक 20 यूज करो अभी. रेफरल कोड सुप्रीत लाइव है, इससे आज आपको 20% ऑफ मिलेगा 10 की जगह. तो जो भी आपका सब्सक्रिप्शन प्राइस है उस पे 10 की जगह 20% ऑफ, ओनली एंड ओनली फॉर 1 डे, डिस्काउंट कोड सुप्रीत लाइव. अब मैं आपको हेनरी फ्योल के साथ आज की क्लास स्टार्ट कराती हूँ. 1-on-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आइकॉनिक लर्नर्स के लिए ऑन है. आज ही अपने मेंटर के साथ अपनी पसंद की लैंग्वेज में आप बुक कर सकते हैं अपने लिए एक नया सेशन. जब हम हेनरी फ्योल की बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट स्टडीज़ हैं जो जो शो करती हैं दैट किसका क्या काम है, कौन क्या मैनेज कर रहा है, हु इज़ द लीडर, हु इज़ द बॉस, एम्प्लॉय का रोल क्या होता है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है. तो लोग कहते हैं कि मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का एक ही फादर है, वो हेनरी फ्योल है. एंड ऐसे ही नहीं, हेनरी फ्योल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इतने एग्जाम्स में, इतने क्वेश्चंस में रीअपियर होता है. उसकी मैनेजमेंट की जितनी थ्योरीज हैं, आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो 1900s की ही शुरुआत में डेवलप हुए हुए हैं. तो 1903, 1904, 1905, 1907, 1909, ये जो मेजर टाइम पीरियड है, या फिर आप 1920s तक, उसमें आपको हेनरी फ्योल का मेजर काम दिखेगा. अगर हम इस सेंचुरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी देखें, 20th सेंचुरी बनती है ना ये, जब हेनरी फ्योल का काम का तारीख है, उस सेंचुरी में ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पे काम करता है हेनरी फ्योल. इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट स्पेसिफिकली सारों में से वो इंडस्ट्री वाली जो मैनेजमेंट है ना, बॉस एम्प्लॉई रिश्ता जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में हो रहा है, जो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था बेसिकली, जब रेवोल्यूशन हुआ था अपना इंडस्ट्रियल, उसके ऊपर हेनरी फ्योल का सारा स्टडी है. तो उसका जो फोकस है वो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है. 1900s में उसका एक्टिव पीरियड है एंड फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कहा जाता है. वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी और थ्योरीज हैं जो फेमस हैं. हमारे पास एल्टन मेयो की ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, हमारे पास ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऑफ एल्टन मेयो है, हमारे पास SMT है टेलर का, हमारे पास और बहुत सारी थ्योरीज हैं जो बहुत फेमस रही हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. बट जब भी आप फ्योल के साथ जोड़ोगे इन कोई भी थ्योरीज को, तो वो जुड़ेंगी नहीं, क्योंकि फ्योल का थ्योरी इज़ अ वेरी वेरी यूनिक थ्योरी. ये इन सारी थ्योरी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. मतलब मैनेजमेंट थ्योरीज तो और भी थी, औरों ने भी यही बातें बोली हैं, मतलब टॉपिक तो यही है सबका कॉमन, बट क्या उसका कंक्लूजन कॉमन है? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो हर किसी का अलग अप्रोच है इस पूरे टॉपिक के ऊपर. तो एल्टन मेयो कुछ अलग कह रहे हैं और FW टेलर कुछ अलग कह रहे हैं. ये सारे डिफरेंट आइडियाज़ में फ्योल बिल्कुल अलग स्टैंड आउट करता है. कम या ज़्यादा की बात नहीं हो रही है, डिफरेंस की बात हो रही है कि वो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एवरी एल्स पर्सन जो हमने पबैड में पढ़ा हुआ है. ये बात है कि जब हम ये देखते हैं कि फ्योल का जो स्कूल ऑफ थॉट है या फ्योल के जो आइडियाज़ है, वो मेजरली
बाकी अपने साथ के जो उसके को वर्कर्स थे या कॉलीग्स थे या फिलोसोफर्स थे उस टाइम के, उनके हिसाब से इसका काम कहाँ जाके स्ट्रॉन्गर बैठता है, तो ये बैठता है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे अब इंडस्ट्रियल है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, अब अगर आप पुराना पर्सपेक्टिव देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हायरार्की एक कॉमन वर्ड हुआ करता था। अब तो चीज़ें चेंज हो गई हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, फिर NPM आया, क्रिस्टोफर हुड ने पॉइंट आउट किया था, तो चीज़ें चेंज हो गई। बट आप ट्रेडिशनल को देखो तो आज भी वहाँ पर हायरार्की जो है वो बहुत रिजिड है, रिजिड, सख्त, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हायरार्की। और रिजिड हायरार्की क्लैरिटी देती है इस बात की कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है टॉप टू बॉटम का। टॉप टू बॉटम बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम चल रहा है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिकेशन टू साइडेड नहीं होता, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिकेशन हमेशा वन साइडेड होता है। हमेशा आदेश ऊपर से लेकर नीचे भेज दिए जाते हैं, कंसल्ट नहीं किया जाता नीचे वालों से कि तुम्हारा क्या विचार है, तुम खुश हो, अनहैप्पी हो, क्या तुम लोगों को सुविधा मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है, डजेंट मैटर। टॉप टू बॉटम अप्रोच है और वो वन साइडेड है। तो यहाँ पर एक और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि वर्कर्स का जो हायरार्की है उसके ऊपर डिटेल स्टडी फ्योल नहीं करा हुआ है। तो क्लासिकल थॉट जब आता है तो हेनरी फ्योल इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कैसे वर्कर्स रह रहे थे ऑर्गेनाइजेशंस में, स्पेशली इंडस्ट्रीज में, रिजिड अप्रोच था हायरार्की का, टॉप बॉटम ऑर्डर था, ये सब कुछ डिस्कस करना फ्योल के थॉट में बहुत बहुत कॉमन पॉइंट है। बिफोर वी स्टार्ट इन टू द डिटेल प्रोसेस कि थ्योरीज क्या थी, वर्ड्स क्या क्या हैं, जैसे आप स्पिरिट डी कॉप्स पढ़ोगे, यूनिटी ऑफ कमांड या कोई भी स्केलर चेन, कुछ भी ऐसा, उससे पहले जान लेते हैं हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ा सा। हेनरी फ्योल का जन्म 1841 का हुआ है, इसीलिए आप देख सकते हैं क्यों वो 1900s में ज़्यादा फेमस थे एकदम स्टार्टिंग में, बिकॉज वो उनका मेजर टाइम पीरियड था काम करने का। और उनकी डेथ हुई थी 1925 में। जो उनका पूरा टाइम पीरियड है लाइफ का वो ऑटोमन एम्पायर में जो है, मतलब सॉरी, ऑटोमन एम्पायर में उनका जन्म हुआ, उनका जो टाइम पीरियड है पूरी लाइफ का वो मोस्टली फ्रांस में बीता। तो पहले उन्होंने क्या किया, एक एकेडमी थी, माइनिंग एकेडमी, वहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, वहाँ पर कुछ कुछ ट्रेनिंग लेकर सीख कर वो वहाँ से ग्रेजुएट हो गए। जब वो ग्रेजुएट हो गए तो ही बिकेम अ माइनिंग इंजीनियर, तो ही डिसाइडेड कि मैं जॉब में चला जाता हूँ, जॉब में चले गए। माइनिंग इंजीनियर क्या नौकरी करने लगे किसी कंपनी के साथ, और धीरे 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 प्रोमोशन के साथ साथ उसी कंपनी के MD बन गए, मैनेजिंग डायरेक्टर, काफ़ी टॉप पोजीशन पर चले गए। 1888 में उस कंपनी के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा था और वो कंपनी अपने बहुत वर्स्ट डेज में थी, यानी कि लोन तो ले लिया था लेकिन चुकाने की हिम्मत नहीं थी, कर्जा बहुत था लेकिन पैसों की जो कमी, वो जो एक गैप आ चुका था फिनेंसिंग, उसकी वजह से कंपनी जा रही थी बैंकरप्ट होने। बैंकरप्ट का मतलब कंगाल होने बेसिकली। तो फेओल एक बहुत स्मार्ट माइंडेड पर्सन था, इंजीनियर होने के साथ साथ जब उसने मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन संभाली, वो भी चाहता तो कंपनी को बर्बाद होने देता और आगे बढ़ जाता लाइफ में, कहीं और जॉब मिल जाती, ऐसी हजारों कंपनीज हैं, बट ही चोज टू स्टे बैक और उन्होंने कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाया जाने की बजाय। तो 1888 में जब उन्होंने ये किया तो ऑब्वियसली उनका जो नाम है वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और 1900 में जब हम फ्योल की मैनेजमेंट स्किल्स की बात करते हैं, यानी कि उनके अंडर काम करने वाले जो नीचे एम्प्लॉयज थे, उनके एक ऐसा सिस्टम बना दिया फ्योल ने कि जहाँ 2 साल पहले कंपनी का ताला लगने वाला था, वहाँ 2 साल के अंदर अंदर फ्योल की लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से ये कंपनी फ्रांस में आयरन और स्टील की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर बन गई। और इन्होंने अपना जो मुकाम है इंडस्ट्रीज में अचानक से इतना गुना बढ़ा लिया दैट इस पूरे इलाके की रैंक वन कंपनी फ्योल की फर्म बन गई, जिसके वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे। 2 साल के अंदर अंदर ऐसा बड़ा चेंज मैनेजमेंट के थ्रू ले आना,
फियोल को स्टार तो बना ही गया सबकी नजरों में, एंड ये सबको रियलाइज हुआ ये बंदा सिर्फ कहने को किताबों में ही ये सब बातें नहीं लिख रहा है, ये सब ये प्रैक्टिकली प्रूफ भी करके दिखा रहा है। तो ऑफ कोर्स फियोल के साथ जो है सिचुएशन धीरे धीरे करके लाइफ में ये एक बड़े रीजन से चेंज होने लगे। ये जो उनका काम था, जो स्पेशली उन्होंने फर्म की हालत सुधारी, इसकी वजह से उनको बहुत अटेंशन मिलने लग गया, पब्लिक बहुत लव करने लगी फ्रांस में। 1908 में उन्होंने एक फेमस थ्योरी लिखी एक पेपर में, और उसको उन्होंने एक किताब में कन्वर्ट कर दिया। जब उन्होंने ये किताब लिखी थी, ऑफ कोर्स उन्हें ये नहीं पता था कि ये ऐसी किताब हो जाएगी, बट विथ टाइम जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट फियोल की लिखी हुई वर्ल्ड फेमस बुक बन गई। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने क्लासिकल टेक्स्ट हैं उसमें फर्स्ट टेक्स्ट हेनरी फियोल का माना जाता है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के ऊपर। तो 1908 में अपने इस पेपर को जब इन्होंने जो 1908 में सॉरी पेपर लिखा था, इन्होंने जब उसे बुक में कन्वर्ट किया जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, तो फ्योल की पॉपुलैरिटी हर बाउंडेशन क्रॉस कर गई। सबको पता चल गया फ्योल कोई हल्का मुल्का बंदा नहीं है, इसके पास कुछ अलग तरीके का दिमाग है। जब ये बुक फेमस हो गई तो ऑफ कोर्स फ्योल अपनी थ्योरी के लिए स्पेशली जाने लग पड़ा। सारी दुनिया इस थ्योरी को फेओल नाम से जोड़ने लग गई, और वहाँ से पैदा हुआ एक ऐसा ग्रुप ऑफ थिंकर्स, स्टूडेंट्स और एकेडमिशियंस जो फेओल के दीवाने बन गए, जो उसके फैन बन गए, उसकी थॉट को एडमायर करने लगे, और इन्हें कहते हैं फेओलिज्म। इन्हें कहते हैं फेओलिज्म। जो फेओलिज्म है वो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहलाने लग पड़े। ठीक है, इस वजह से उनके जो आइडियाज़ हैं वो आज तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्लासिकल बेस में काउंट करे जाते हैं। जो भी आप बड़ी थ्योरी देखोगे वहाँ आप बार बार हेनरी फियोल का नाम देखोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं जिसके लिए हमने स्पेशली आज क्लास कंडक्ट की है, हेनरी फियोल का क्लासिकल थॉट था क्या। हेनरी फियोल की मैनेजमेंट थ्योरी तीन सब थ्योरी से बनी है। ये PYQ है, ये PYQ है, और ये भी PYQ है, बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आप जब देखोगे आपको तब पता चलेगा। जो ऊपर सिक्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है वो ये शो करती है कि एक मैनेजर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर आप लोग मेरे MCQ क्लास के रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि हमारी प्लस क्लास में एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर सपोर्टेड फॉर अ मैनेजर बाय हेनरी फियोल। उसमें टेक्निकल और फिर इंटेलिजेंस, मैन्यूपुलेशन, ऐसे ऐसे करके स्मार्ट लुक्स, ऐसे कॉन्फिडेंस, ये सब सारे ऑप्शंस थे। तो फर्स्ट वाले में हम वो पढ़ते हैं। फिर आपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिपोर्टिंग, ये सब पोस्ट कॉप में देखा है जो गलिक ने दिया है। सेकेंड वाले में हम वो पढ़ते हैं। थर्ड में आप पढ़ते हो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ ड्यूटीज एंड देन स्केलर चेन, और ये सारा जो फेओल का मेजर क्वेश्चन आता है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, छोटे छोटे बना के आते हैं जो क्वेश्चंस, ये आप पढ़ोगे लास्ट वाले में। तो सिक्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर तीन सब थ्योरी हैं। पहली सिक्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, दूसरी फाइव है, और तीसरी 14 है। इसका एक सिंपल सा रूल है, अगर आप निमोनिक बना के याद कर लो तो 6 5 14। सिक्स इंडस्ट्री वाली है, फाइव मैनेजमेंट वाली है, और 14 प्रिंसिपल्स है। मतलब ये फंक्शंस है, ये एक्टिविटीज है, और ये प्रिंसिपल्स है। 6 एक्टिविटीज, 5 फंक्शंस और 14 प्रिंसिपल। ये अगर आप एक निमोनिक बना लेते हो AFP और 6 5 14, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि फियोल ने किसके बारे में कितना बोला है। तो 6 5 14 AFP, 6 5 14 AFP, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला हम लोगों ने फिक्स कर लिया है ताकि हम हेनरी फियोल को पढ़ सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं 6 इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के साथ आज की क्लास का थ्योरी। तो सबसे पहले आता है टेक्निकल एबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड अ PYQ। टेक्निकल एबिलिटी, किसी भी इंडस्ट्री या फर्म को चलाने के लिए
रट्टू तोता दिमाग काम नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो प्री प्रिडिक्टेबल नहीं होती। आप सुबह सोच के निकलो कि आज मैं 200 टन जो है अपना आउटपुट निकाल पाऊंगा, आपके 10 वर्कर्स छुट्टी ले जाए, टोटल 20 वर्कर्स थे आपके पास, आपका काम जस्ट हाफ हो जाएगा। वो हाफ लोग भी अनइंस्पायर्ड फील करे क्योंकि उनके आधे लोग नहीं आए हुए, तो एकदम डल सा दिन चल रहा है काम पे, वो भी उतना काम नहीं कर पा रहे जितना उन्हें करना चाहिए था, तो और 10% आपकी प्रोडक्टिविटी गिर गई। ऐसे में अगर कोई रट्टू तोता होगा तो वो तो हाथ पैर उसके फूल जाएंगे कि मैं आगे क्या करूं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर जाना होता है फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, लेकिन मशीन बंद पड़ जाती है, कोई एक पार्ट टूट जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो टाइम के हिसाब से अचानक शिफ्ट करनी पड़ती है। जैसे अगर आपके एनिमी ने, सेम राइवल कंपनी ने, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो आप पहले करने वाले थे और उसको खबर लग गई उसने पहले कर दिया, तो उस टाइम पर समझ पाना, न्यू चीज़ें अडॉप्ट करना, अपने रनिंग प्रोजेक्ट जिस पे आपने इतना काम किया उसे स्क्रैप करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के पीछे टेक्निकल दिमाग चाहिए होता है, क्योंकि टेक्निकलिटी के बिना इंसान एक्चुअली एक मशीन बन जाएगा। तो फर्स्ट जो है टेक्निकल अलर्टनेस एक पर्सन में चाहिए है, फर्स्ट ये है। सेकंड आता है कमर्शियल। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप सिर्फ टेक्निकली मतलब एक अवेयर पर्सन हो कि तारें सही करना तो आपको आ रहा है और आपको स्विच बोर्ड कंप और फैक्ट्री में होने वाली मशीन्स ये सब तो समझ आ रही है, बट जब मार्केट की बात आती है, लोन उठाना, लोन देना, सेल करना, प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, मार्जिनल जो प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, एक्सचेंजेस किसको करने हैं किसको नहीं करने हैं, ये जो है जब तक ये नहीं होगा तब तक आप पैसा बचा नहीं पाओगे। तो सिर्फ पैसा कमाने का दिमाग नहीं चाहिए, पैसा बचाने वाले का भी दिमाग चाहिए। बहुत सारे केसेस में हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं अलग अलग लोगों के साथ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट गुड है या बैड है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे होने चाहिए, ये दोनों चीज़ें भी इस पर्सन के अंदर हो। तो फर्स्ट स्किल थी टेक्निकल और दूसरी स्किल है कमर्शियल, यानी हमारा जो मैनेजर है, जो बॉस है, उसके अंदर सेकंड स्किल कमर्शियल होनी चाहिए। तीसरी आते हैं फिनेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, अब आपने देखिए सीसीडी है, छोटे से छोटे शहरों में भी एक टाइम था जब सीसीडी की एक ना एक आउटलेट जरूर होती थी। हर छोटे से छोटे शहर में भी सीसीडी ने एक टाइम पर अपनी आउटलेट खोली हुई थी। जब हम लोग स्कूलिंग में थे तो सीसीडी एक सपने जैसा होता था फॉर मोस्ट ऑफ द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, क्योंकि तब उतने पैसे भी होने ऐसे बड़ी बात होती थी कि ओ माय गॉड, अ कॉफ़ी चेन इतना हाई ब्रांडेड, ओ कॉफ़ी बाहर भी मिलती है, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बहुत नया था। अब आप ये सोचो, हर गली हर नुक्कड़ में सीसीडी एक टाइम पर अपनी चेन खोल के बैठा हुआ था, हाईली सक्सेसफुल था। बाहर से तो देखने में सबको यही लगता है कि ऑल वेल एंड गुड, अंटिल एंड अनलेस 2.5 साल पहले ये खबर आई दैट सीसीडी के ओनर ने खुद को ही जो है ही डाइड, वो चला गया, उसने सुसाइड कर लिया। फॉर 80% ऑफ पीपल इट वॉज अ शॉक, हमारे जैसे आम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे अनुसार तो वो 250 रुपये का कॉफी भी इतना ज्यादा महंगा है कि उसमें से कंपनी बचा ही रही होगी, बट हमें ये नहीं पता कि अंदर अंदर उस कंपनी पे कितने लोन्स थे, कितना प्रेशर था कि उसके ओनर को खुद को मारना पड़ा। जिस टाइम सीसीडी फ्लॉप हुआ उस टाइम उसके ऊपर 7,500 करोड़ का लोन था, 7,500 करोड़ इंडियन रुपीज का लोन था। आपको जब तक फिनेंसिस की नॉलेज नहीं होती है ना, आपकी इंडस्ट्री कभी बड़ी नहीं हो सकती। बड़ी से बड़ी कंपनीज भी लोन पे चलती हैं, और जब तक आपको फिनेंस क्रेडिट मैनेज करना नहीं आता, मार्केट में 100 ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको लूटने को तैयार है और आपको बर्बाद करने को तैयार है। तो अगर आप खुद के बारे में नहीं जानते होगे, अगर आपको कैपिटल और पैसे का इस्तेमाल करना ढंग से नहीं आता होगा, तो आपका बिजनेस कभी चल ही नहीं सकता। इट कैन नेवर एवर वर्क अगर आपके पास सोर्स ऑफ अच्छा फिनेंशियल कैपिटल नहीं है। तो थर्ड पॉइंट फिनेंसेस है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी दो तरफा है, ठीक है? पहली आप कितनी फील कर रहे हो और दूसरी आप कितनी दे रहे हो। तो अगर कोई मेरी कंपनी में आएगा काम करने के लिए, मेरी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो
तो सिक्योरिटी दो तरफा होती है। पहले तो मुझे खुद एक सिक्योर मैनेजर या ओनर बनना पड़ेगा। हर छोटी चीज़ पर शक करना, हर किसी के साथ रोज लड़ लेना, या फिर अपने पैसों को, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में भी मेंशन किया कि सिक्योरिटी नहीं है पैसों को लेके, आज है कल नहीं है, मेरे अच्छे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डेवलप नहीं है, IPR, मेरे पास अच्छा लॉयर नहीं है, कल को कोई मेरे पे कॉपीराइट क्लेम डाल दे तो मेरे पास उसे सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक इनसिक्योरिटी तो वो है, और दूसरी इनसिक्योरिटी वो है जो लोगों को आपसे फील होती है। तो जब तक आप खुद सिक्योर नहीं होगे, आप पे आपके एम्प्लॉयज़ भरोसा कैसे करेंगे? वो बेचारे खुद भी तो डरे रहेंगे हर टाइम, वो तो ये सोचते रहेंगे कि ये भाई कर क्या रहा है, इससे तो खुद नहीं अपनी कंपनी संभाली जा रही, हमें क्या पैसे देगा, हमारी हेल्थ का क्या ध्यान रखेगा, कल को हमारे बच्चों का कोई बुरा टाइम आएगा तो ये तो कंपनी पीछे हट जाएगी, इसके पास तो खुद ही कुछ नहीं है। तो सिक्योरिटी दो तरफ से काम करती है, आप कितनी दे रहे हो और आपके पास कितनी है खुद के पास। पांचवा आता है अकाउंटिंग, स्टॉक टेकिंग, बैलेंस शीट, कॉस्ट, स्टैट्स एटसेट्रा। मतलब बेसिकली हर टाइम पर डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लोग बहुत हल्के में ले जाते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आप जब अपनी शीट्स वगैरह अपडेट नहीं करके रखते ना, आप छोटे से छोटी चीज़ भी देख लो कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से बार बार पैसे कटवाई जा रहे हो, किसी को कुछ पे कर रहे हो, किसी को कुछ पे कर रहे हो, आपने हिसाब नहीं रखा, बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैसे कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं। उसमें आधे से ज़्यादा टाइम ये होगा कि आप ही ने किसी को दिए होंगे, आपको पता नहीं चला होगा, क्योंकि आपने कभी हिसाब ही नहीं रखा चीज़ों का। तो ऑब्वियसली आपका दिमाग हमेशा कन्फ्यूज रहेगा और आपको लगेगा आपके साथ धोखा हो रहा है। असलियत ये है कि आप खुद इतने अनक्लियर हो कि आपको लग रहा है धोखा हो रहा है। आपको हमेशा अपने जो खाते हैं, शीट्स हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमेशा सॉर्ट आउट करके रखने चाहिए, बिकॉज कल को यही चीज़ें होती हैं जो कन्फ्यूजन अवॉइड करने में मदद करती है। जैसे मैं आपको कहती हूँ, एग्जाम से बहुत पहले अच्छे नोट्स बना लिया करो, सो दैट एग्जाम के टाइम पे वो तुम्हारे लिए रिसोर्सेज हो जाए। जैसे लोग बैंक अकाउंट में पैसा सेव करके रखते हैं, आप अपने एग्जाम से पहले अपने नोट सेव करके रखो, वो कलेक्शन बना के, वही आपके लिए सोना चांदी डायमंड सब कुछ है। जब जब आपके एग्जाम करीब आएंगे, पूरी लाइफ आप पॉल साइंस अगर पढ़ते हो, इस जॉब में रहते हो, इस प्रोफेशन को कैरी करते हो, पूरी लाइफ वो आपके लिए एक ऐसी लॉकर है जिसको आप बार बार खोलोगे, बार बार यूज करोगे, अगर अच्छे नोट्स होंगे। यही अगर आपने कॉपी करे हैं या कहीं से भी कुछ भी उठा के दे दिया है, तो वो कभी इफेक्टिव भी नहीं होंगे और आप खुद भी उनको कभी खोलोगे नहीं एक भी बार। सो यही यहाँ पर वही तरीका है, साफ सुथरे अच्छे वेल मैनेज्ड नोट्स बना लो तो आपको आगे काम आते रहते हैं। फिर आता है सिक्स्थ पॉइंट जो हम अगली बार शुरू ही करने वाले हैं, ये मैनेजीरियल पॉइंट है। इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं। यानी मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ दूसरों पर चिल्लाना नहीं होता, मैनेजमेंट का मतलब ये भी होता है कि तुम खुद कितना जानते हो। जब तक तुम खुद नहीं जानते होगे, तुम दूसरे वाले को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते सामने वाले को, वो भी हवा में तीर मारेगा जैसे आप मार रहे हो। तो वो एक वाइब होती है, वो कैच हो जाती है। एक दो बार आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो वो मैनेजीरियल जो पॉइंट है, उसमें ये सारी मिक्स्ड एक्टिविटीज़ आती हैं, इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ये वो। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो हम लोगों को पहला तो अपना समझ आ गया, हमने देख लिया। अब हमारे पास एक्टिविटीज़ निपट चुकी हैं जो हमारी 6 थी। हमारा रूल है 6-5-14 का, और हमने 5 अपनी अब लेने हैं फंक्शंस AFP, और अभी हमें 14 प्रिंसिपल्स, जो मेरा मेजर गोल है, वो 14 प्रिंसिपल्स करवाना है। अब हम 5 फंक्शंस पे बढ़ते हैं, बहुत इजी है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कंपैटिबल आप इसी में रहोगे। एंड ये 5 फंक्शंस POCCC हैं। ऐसा कुछ एक्रोनियम आपने पहले भी सीखा हुआ है, आपने पहले एक्रोनियम गलिक का सीखा हुआ है, और रिपीटेड PYQ आता है। लदर गलिक के केस में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि हु कॉइंड द टर्म पॉज्ड कॉर्ब, तो इसका आंसर लदर गलिक है। और कई बार इनकी फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग क्या है। ऐसे हेनरी फ्योल का क्वेश्चन है, ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में काफ़ी आता है, नेट में कम आता है। हेनरी फ्योल नेट में है नहीं ना, सिलेबस में हेनरी फ्योल, इसलिए POCCC में हेनरी फ्योल ने 5 फंक्शंस बताए हैं। और फर्स्ट प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, सी पहला वाला है जो कमांड है, सेकंड वाला कोऑर्डिनेशन है, और लास्ट वाला कंट्रोल है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये 5 अपने फंक्शंस हैं
जो किसी भी मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं, इनका एक्रोनियम है POCCC। सबसे पहले हम लोग प्लानिंग डिस्कस करना शुरू करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आप देख लीजिएगा, मैंने कलर चेंज किया है। जहाँ जहाँ क्वेश्चन होगा वहाँ वहाँ मैं रेड मार्क कर दूंगी, सो दैट आप आगे पढ़ सको। तो प्लानिंग का दूसरा नाम है प्लान ऑफ एक्शन। प्लानिंग का सेकेंड नेम होता है प्लान ऑफ एक्शन। और फ्योल के अकॉर्डिंग प्लानिंग किसी भी इंडस्ट्री या बिजनेस के लिए फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, हर एक मैटर में ये सबसे बड़ा स्टेप है प्लान ऑफ एक्शन। प्लानिंग में बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, बहुत सारे टुकड़े हैं, बट चार टुकड़े ऐसे हैं जो हम पढ़ते हैं स्पेशली। जब हम कुछ प्लान करते हैं फ्योल की अकॉर्डिंग, तो वो चार पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। डिजायर्ड रिजल्ट, एक्शन, स्टेजेस, मेथड्स। मतलब कि जब भी हम कोई प्लानिंग बनाते हैं तो पहले हम सोचते हैं उसका गोल क्या है। यानी कि आज शाम को अगर मुझे प्लान करना है कि मैं नेक्स्ट वीक क्या पढ़ूंगी, तो मेरा गोल पहले डिसाइडेड होगा कि पढ़ाई मेरा गोल है। अगर मुझे घूमने जाना है, उसकी प्लानिंग करनी है, तो मेरा एंड गोल है घूमने जाना, ट्रैवलिंग। तो हमेशा गोल पहले डिसाइड होता है, ये पूरा करना है, इसके लिए मैं प्लान बना रही हूँ, मुझे ये चाहिए एंड में रिजल्ट। तो पहले हम ये सोच लेते हैं कि हमारा गोल क्या है, फिर आता है कि हम उसके लिए क्या काम करेंगे, क्या स्टेप उठाएंगे, फिर हम ये देखते हैं स्टेजेस क्या क्या हैं उसके। जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई करनी है तो उसमें क्या क्या स्टेज इन्वॉल्व होगी, ईजी होगा शुरू में या डिफिकल्ट होगा शुरू में, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करूँ जो मेरे को ऐसा लगे कि अभी मेरे को ढंग से समझ आ रहा है, प्रिलिमिनरी स्टेज, मिडिल स्टेज, लास्ट स्टेज, अलग अलग ऐसे स्टेजेस आएंगे। और फाइनली होगा मेथड कि मैं पढ़ाई के लिए कौन सी ट्रिक यूज़ करूँ, पहले मैं लर्न करूँ, नोट्स बनाऊँ, या मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये होते हैं हमारे चार तरीके प्लान करने के: गोल सेट करना, एक्शन डिसाइड करना, स्टेजेस का बंटवारा होना, और क्या मेथड आप यूज करोगे वो पाने के लिए वो डिसाइड करना। जब आप ये चार चीजें अपना लोगे ना, तब आप आगे बढ़ोगे और देखोगे कि अपना अगला जो पॉइंट है प्लान का वो क्या होता है। सबसे पहली बात, जब आपको किसी कंपनी के लिए प्लान बनाना होता है, ऑफ कोर्स वो प्लान मैनेजर ही बनाता है, क्योंकि वो हेड पर है ना पोजीशन में। हम जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिकल रूप से दिखाते हैं फेओल जैसा, तो हम ये डायग्राम यूज़ करते हैं, और इसकी टिप पे हमेशा मैनेजर होता है, और धीरे धीरे सब मैनेजर, स्टाफ, पीओन, एम्प्लॉयज एट्सेट्रा, मतलब इनका नंबर बढ़ता जाता है धीरे आते आते, लेकिन टॉप पे एक ही बंदा होता है, वो होता है मैनेजर। तो प्लान मैनेजर बना रहा है, उस टाइम पर उसको सब कुछ सोच के चलना चाहिए। प्लान बना लिया 100 करोड़ का, और सारा रेवेन्यू मिला जुला के, सारी सॉल्युबल डिसॉल्युबल सारे शेयर्स मिला के 8 करोड़ से ऊपर का बजट नहीं है, क्या आपको ये वैल्यूएशन सही लगता है 8 और 100 करोड़ का? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये फेल्ड प्लानिंग है, बिफोर इवन ये स्टार्ट हो ये प्लान फेल है, बिकॉज उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। 24 घंटे के लिए आप टाइम टेबल बनाते हो और आप ये सोचते हो कि मैं आज 13 घंटे पढ़ लूँगा, तो वो एक वेस्ट टाइम टेबल है, क्योंकि डे वन पर ही आपने अपने आपको इतना चैलेंज कर दिया, अगले दिन तो आप उठ भी नहीं पाओगे। फिर उसके बीच में खाना, थोड़ा फ्रेश होना, घूमना फिरना, नहाना, अपने आप को सेन भी रखना, थोड़ा दोस्तों से बात करना, फ़ोन चलाना, गाने सुनना, थोड़ा बहुत इधर उधर टीवी देखना, घर वालों के साथ बातें करना, सब कंबाइन कर लिया, तो ऑफकोर्स प्लान तो फेल होना ही था, 13 घंटे उसमें से आप कहाँ से निकाल लोगे। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, जब वो आ जाते हैं प्लान में, तो प्लान फेल हो जाता है। फिर एक और भी बहुत चीज़ मायने रखती है प्लान के अंदर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप अपना सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर सोच के बनाओ तो वो भी आइडियल है, ये ना देखो कि आपका पास्ट कैसा था, और आप सिर्फ अपना पास्ट देख के बनाओ तो भी आइडियल है, क्योंकि
फ्यूचर हो सकता है उससे बेटर हो सकता है उससे गंदा हो, हर सर्कमस्टांस के लिए तैयार रहना पड़ता है। ट्रेंड्स चेंज होते रहेंगे, काम नया आएगा पुराना आएगा, तो इस सबको अवॉइड करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि प्लान के अंदर ये सारी चीज़ों की ऑप्शंस ओपन रखो। इसके अलावा यूनिटी, कंटिन्यूटी, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेट्रा, ये सब भी चाहिए। साथ आना, मिल के काम करना, फ्लेक्सिबल होके काम करना, ये सब भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमने पांच फंक्शन में से पहला निपटा लिया। यहाँ पे साइड में लिख लेंगे क्या क्या होता जा रहा है। हमारे पास POCCC है और हम P कर चुके हैं, अब हम O पे आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज करना। सबसे पहले जब आपने प्लान बना लिया अपने ऑफिस में बैठ के, आपके दिमाग में तो आपके हिसाब से सब कुछ परफेक्ट है। आपको अगले दिन सुबह 100 मैन चाहिए वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी फैक्ट्री में, लेकिन आपके पास करेंटली सिर्फ 70 लोग हैं, तो ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा कल सुबह से, अनटिल एंड अनलेस एक शाम और अगली सुबह के बीच में आप 30 लोगों को अरेंज कर लो। आप अपने सारे रिसोर्सेज को फ़ोन करते हो, आप अपने बचे हुए 70 वर्कर्स को बुलाते हो, सबसे बोलते हो कि तुम अपनी अपनी तरफ से एक एक दो दो अपने साथ की हेल्प लेकर आओ, हम उन्हें उतना ही पे करेंगे, इक्वली रखेंगे जॉब पे, और आप किसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर करके, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे पैसा हो, चाहे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे ऐसे आदमियों की ज़रूरत हो, वर्कर्स की ज़रूरत हो, ये सब मैनेज करके ऑर्गेनाइजेशन ले आते हो ताकि कल सुबह से आपका प्लान काम करना शुरू हो सके। ये अपना सेकेंड पॉइंट है जिसका नाम ऑर्गेनाइजिंग था। दो पॉइंट्स निपटाने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे पे, और तीसरा है कमांड। कमांड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कमांड ही है जो आपके काम को प्रैक्टिकल चेहरा देगी। अभी तक तो ये बातें सिर्फ दिमाग में चल रही थी, प्लानिंग करी थी तब तक कोई प्रूफ नहीं था कि ये सक्सेसफुल होगा, ऑर्गेनाइजिंग करी थी तब तक भी कोई प्रूफ नहीं था कि ये सच होगा, लेकिन जब कमांड का समय आएगा, यानी कल सुबह 100 वर्कर्स आ गए, अब वो आपकी तरफ देख रहे होंगे सारे कि आप उन्हें क्या कमांड या ऑर्डर इशू करोगे। जब आपकी आवाज़ ही इतनी लो होगी और उसमें जीरो कॉन्फिडेंस होगा, तो आपके वर्कर्स आपको देखकर कभी भी काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आपने नोटिस किया होगा जब हम एक बहुत फेमस मूवी देखते हैं, उरी, उरी सर्जिकल स्ट्राइक पे बेस्ड है, और जब ये डिसाइड किया जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक ऑर्गेनाइज होगी, तो जो कमांडर्स थे, सोल्जर्स थे, उनको बेस कैंप पे बुलाया गया और उनसे उनके फोन्स ले लिए गए सारे, और उन्हें एक बहुत अच्छी वॉइस में, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वॉइस में एहसास दिलाया गया कमांड देके कि उन्हें कल को आगे दिनों में क्या करना है और उसके क्या क्या असूल रहेंगे। बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल हिमसेल्फ द लीडर डिड दिस। जब लीडर ने खुद एग्जाम्पल सेट किया तब सोल्जर्स ने उसे फॉलो किया। तो कमांड बहुत नेसेसरी वो पॉइंट है जो प्रैक्टिकल चेहरा देता है इस सिचुएशन को। आप जो अपने साथी हैं उनको ऐसा चुनिए जो अच्छे हों, और उन्हें जानिए, सिर्फ चुनकर फैक्ट्री में रख मत दीजिए, जानने की कोशिश करिए उनके मन में क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तीसरी बात ये है कि वो व्यक्ति आपकी कंपनी की तरफ, आपकी तरफ क्या एटीट्यूड रखता है, ये भी आपको जानना चाहिए। हो सकता है वो कॉम्पिटिटर के यहाँ से आया हो आपके ऊपर नज़र रखने और आपके प्लान्स लीक करने। आप चाहोगे क्या कि आप एक कंपनी में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना कुछ दे रहे हो, और इन दी एंड आपका काम कोई और ले जाए क्रेडिट, कोई और कंपनी मज़े उड़ा जाए उस पैसे से? ऑफ कोर्स नॉट। तो बहुत असेंशियल होता है ऐसे केस में, ये जो मैनेजर्स हैं ये क्या करना चाह, ये जो सॉरी वर्कर्स आए हैं इनके क्या इंटेंशन है ये जाने। इसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अलग अलग मैनेजर्स के साथ मिलकर उनसे डिस्कस करना क्या चल रहा है, बताओ आज पूरा दिन तुम्हारे वर्कर्स ने क्या काम किया एट्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एक गुड एग्जाम्पल सेट करना। खुद तो हम एज अ मैनेजर पूरा दिन सो रहे हैं, घूम रहे हैं, फोन पे बातें कर रहे हैं, आलस है, देखने नहीं आ रहे क्या काम चल रहा है, घूमने फिरने खाने पीने बैठे हुए हैं और कोई टाइमिंग नहीं है कुछ करने का, तो आपको लगता है आपके लेबरर्स फॉलो करेंगे पीछे, आपके एम्प्लॉयज आपको देखकर इंस्पिरेशन लेंगे? कभी नहीं। खुद आप छुट्टी मार रहे हो, खुद आप आलस कर रहे हो, और आप दूसरों को लेक्चर दे रहे हो कि टाइम पे काम करो, तो कोई क्यों मानेगा? पहले आप खुद करके दिखाओ, पहले एग्जाम्पल बन के दिखाओ कि काम कैसे किया जाता है।
सिक्स्थ स्टेप आता है ऑडिटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर देश में कराई जाती है मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि जब तक ऑडिट नहीं होगा तब तक प्रॉफिट लॉस पता नहीं चलेगा। ऐसा तो घर बैठे बैठे वो ही बात है, जैसे मैं आपको कहती हूँ थ्योरी पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, थ्योरी के साथ लगातार एमसीक्यू सॉल्व करो, क्या राइट जा रहा है क्या रॉन्ग जा रहा है, टोटल कितने मार्क्स मिल रहे हैं कितने नहीं मिल रहे हैं, वो कैलकुलेट करो। जब तक तुम वो नहीं कैलकुलेट करोगे तुम्हारा पढ़ा लिखा किसी काम नहीं आने वाला। तो ऑडिटिंग हर चीज़ में ज़रूरी है। एंड लड़ाई ग्रुपिज्म इन सब से दूर रहना एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कमांड में किया जाता है। फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन, बहुत आसान है, आपने एमपी फॉलेट के केस में भी कोऑर्डिनेशन पढ़ा हुआ है, फॉलेट के अनुसार भी कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना फिर कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई होती रहेगी हमेशा, कोई किसी का साथ ही नहीं देगा, तो ये ज़रूरी है। फिर आता है कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप डंडा मारो या फोर्स यूज़ करो या कोअर्शन यूज़ करो, कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण, सब कुछ बनाए रखना, यानी कभी किसी को एनजाइटी ना हो जाए टू मच कि अरे ये क्या हो रहा है, और कभी किसी को बहुत ज़्यादा लो ना फील होने लग जाए कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। एक कंट्रोल सा रहना चाहिए अपने काम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर एक माहौल बना रहना चाहिए। तो अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं POCCC बाय हेनरी फ्योल, यानी POCCC बाय हेनरी फ्योल, यहाँ हो गया खत्म। अब हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स लास्ट पॉइंट, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हमारा पॉइंट आता है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये वो पॉइंट है जिसने हेनरी फ्योल को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी दिलाया है। 14 के 14 प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ हैं जो आपको बार बार PYQ देखेंगे और कुछ हैं जो आपको सिंपली बस समझने हैं और वो क्वेश्चंस में पहले नहीं आए हुए हैं। फर्स्ट बढ़ते हैं डिवीजन ऑफ वर्क पे। तो जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो बहुत सिंपल है, क्लास में अगर एक ही टीचर 7 सब्जेक्ट्स रोज पढ़ाएगी, सुबह मैथ्स, फिर भी पीरियड चेंज हुआ तब भी वही टीचर इंग्लिश पढ़ा रही है, फिर पीरियड चेंज हुआ पर वही टीचर ज्योग्राफी पढ़ा रही है, तो स्टूडेंट इन द एंड ऑफ द डे बहुत बोर हो जाएगा, उसका पढ़ने का मन नहीं करेगा, ऐसे स्कूल में स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेंगे, ऐसी क्लास का कोई आउटपुट नहीं निकलेगा, कुछ नहीं। हमें ये हमेशा से समझ आता है कि कई बार काम को लेकर स्पेशलाइजेशन ज़रूरी है, हर समय नहीं लेकिन कई बार। जब आपके ईयर में पेन हो और आप एक गैस्ट्रिक डॉक्टर के पास चले जाओगे जो पेट की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो ऑफ कोर्स आप बीमार से डबल बीमारी वापस आओगे, या फिर आप कोई पेन किलर ले आओगे जो टेम्परेरी आपका दर्द मार देगी बट सल्यूशन नहीं देगी। ENT इसीलिए ताकि आईज नोज जो भी थ्रोट का प्रॉब्लम है आप दिखा सको, कार्डियक डॉक्टर्स इसीलिए होते ताकि आप हार्ट की प्रॉब्लम्स दिखा सको। हर डॉक्टर का अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, इसलिए काम बांटने से अटेंशन सही जगह चली जाती है। एक नॉर्मल फिजिशियन नॉर्मल बुखार ही ट्रीट कर सकता है और फ्रैक्चर या और कोई प्रॉब्लम नहीं डील कर सकता, क्योंकि वो उसके लिए स्पेशलाइज नहीं है। तो हर बार हर काम हर कोई नहीं हल कर सकता, जब आप काम बांट देते हो तो काम और क्लैरिटी से हो सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट था एंड बहुत आसान पॉइंट था। सेकंड आते हैं अथॉरिटी। फ्योल कहते हैं अथॉरिटी को पावर से ना जोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ा जाए। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारे ऊपर जिम्मेदारी ही निर्भर करती है कि हमारी क्या अथॉरिटी है, हमारी क्या हाथों में क्या पावर है, हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं और क्या नहीं। तो वो कंपेयर करते हैं अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारियों के साथ, और बोलते हैं कि ये दोनों सेम ही है। हम लोगों को अगर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है और अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभानी है, तो एक इंसान के अंदर हाई मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, यानी उसको दिल से जवाब आना चाहिए है सही और गलत का, उसका दिल गवाही देना चाहिए व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग की, उस व्यक्ति को इम्पार्शियल होना चाहिए यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए कभी भी किसी के भी बीच में, और उसके अंदर फर्मनेस होना चाहिए यानी एक अड़ियल
अड़िग मन, अड़िग, ये नहीं कि कभी भी किसी की बात सुन के इधर हो गया कभी उधर हो गया। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो अथॉरिटी एक्सरसाइज करने के लिए या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जरूरी हैं। थर्ड आता है डिसिप्लिन। बहुत ही ज्यादा कॉमन पॉइंट है, एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। जब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि एक बिजनेस ठप पड़ रहा है या वहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है, तो आप जनरली नोटिस करना वो तब होना शुरू होता है जब जो मालिक होते हैं बिजनेस के या मैनेजर्स होते हैं वो बिजनेस को बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ना कभी आके उसके कागज चेक करते हैं, ना पैसे चेक करते हैं, ना प्रॉफिट देखते हैं। उनको ये लगता है कि चल तो रहा था अच्छा काम, छोड़ो अपने आप चलता रहेगा। ऑटो पायलट कर देते हैं अपने बिजनेस को, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चलता रहेगा। बहुत सारे दुनिया में ऐसे बिजनेस हैं जो इस एटीट्यूड से फ्लॉप हुए हैं, और कोई भी बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि जब आप खुद डिसिप्लिन नहीं होते आप वही एनर्जी चैनलाइज करते हो वर्कर्स के अंदर। वर्कर्स भी अनडिसिप्लिन होते हैं, वो सोचते बॉस तो कभी आता नहीं, पूछता नहीं, देखता नहीं, तो हमें काहे का डर है, हमारे मन में जो आएगा हम वो करेंगे, कौन है हमें रोकने वाला। तो डिसिप्लिन एक फैक्टर है जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस केस में, एंड सबके लिए लाइफ में एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम फेओल आता है यूनिटी ऑफ कमांड। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी दुनिया ये पूछती है कि यूनिटी ऑफ कमांड किसका कॉन्सेप्ट है। ये एक फेमस क्वेश्चन है, यूनिटी ऑफ कमांड वॉज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, उर्विक, गलिक, फेओल, साइमन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेओल। पहला तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, इसका मैच द फॉलोइंग। एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन यूनिटी ऑफ कमांड, हर साल इस पे एक क्वेश्चन आता है, इवन दो ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी आता है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है वन एम्प्लॉई वन बॉस, वन एम्प्लॉई वन बॉस। एक एम्प्लॉई को सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर सुनने चाहिए हैं। बहुत ही इजी है समझना। अगर ये एक एम्प्लॉय है और इसके तीन बॉसेस हैं, और इसे बोला गया था कल सुबह 12 बजे तक फाइल डिपॉजिट करा देना, ये इस बॉस के पास गया, इसने फाइल दी, उन्होंने बोला पेज नंबर 12 चेंज कर लाओ, मुझे पसंद नहीं आ रहा। इसने पेज नंबर 12 चेंज किया, अगले दिन ये फाइल इसको दी, इसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, दूसरे वाले सर को दिखा लो। इसे दिखाने गया, उसने कहा ये पेज नंबर 12 पे क्या लिखा है, इसे बदलो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने कहा सर इन्होंने कहा था पेज नंबर 12 चेंज करने को, उनको पसंद आया इसलिए मैंने किया, पर मैंने बोला ना मुझे नहीं आया, इसे चेंज करके लाओ। फाइल वापस चली गई। इसने फिर रात को बैठ के पेज नंबर 12 पूरा चेंज किया, इसके पास लेके गया, इसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, तीसरे को दिखा लो। तीसरे के पास गया, उसने बोला पेज नंबर 12 पे क्या लिखा हुआ है, इसे बदल के लाओ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर सर इसने तो हाँ बोली थी, पर मैंने तो नहीं बोली ना, मेरी बात नहीं मानोगे। तो वो बेचारा तो हमेशा खतरे में है, जरा सा वो इसकी बात मान ले तो ये नाराज, ये मान ले तो ये नाराज। हाउ लॉन्ग विल यू सर्वाइव एज एन एम्प्लॉई ऐसी कंपनी में, कब तक तुम जी पाओगे यहाँ पे। कल को तुम एक काम करने जाओ दूसरा तुम्हें टोक देता है, दूसरा काम करने जाओ तीसरा टोक देता है। ये लाइफ लाइफ नहीं है ना, एक एम्प्लॉय को शांति में काम करना चाहिए, पनिशमेंट में नहीं। तो जब एक पर्सन के पास एक बॉस होता है तो इजी कम्युनिकेशन हो जाता है। अब इसी डायग्राम को अगर मैं क्लीन कर दूं और वन बॉस और वन एम्प्लॉय का रिश्ता बता दूं, तो तुम खुद देखोगे कि कितना विजिबल डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल ये वन एम्प्लॉय है, ये वन बॉस है, कल 12 बजे तक फाइल तैयार करके दे देना। यस सर। फाइल लेकर गए अगले 12 बजे, नहीं नहीं पेज नंबर 12 अच्छा नहीं है, चेंज कर लाओ। ठीक है सर। रात को करा, अगले दिन फाइल दिखाई, अप्रूव, बात खत्म। कम्युनिकेशन इजी है, सीधा गए बात कर लिया, कॉल, टेक्स्ट, जो भी अवेलेबिलिटी है, एक फाइल उसको दिखानी दिखाई, खत्म कर दिया। आप 10 जगह चक्कर लगाने से टाइम वेस्ट होता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है वन एम्प्लॉय वन बॉस का रिश्ता, यानी हर एम्प्लॉय का बस एक ही सुपीरियर होना चाहिए, 10-15 नहीं। इसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ कमांड का सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। यहां पर एक प्रॉब्लम डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार स्कूल्स में ऐसा होता है कि जैसे 6 मंथ का, या कॉलेज में 6 मंथ का सेमेस्टर है,
हिस्ट्री के टीचर ने ज्वाइन किया डे वन पे, उनका नाम एक्स था। उन्होंने 2 महीना पढ़ाया, सेमेस्टर ब्रेक हुआ बीच में, ब्रेक आता है जो छुट्टियाँ फेस्टिवल्स वाला, और 2 महीने के बाद वाई टीचर ने हिस्ट्री ज्वाइन कर ली। जो एक्स ने पढ़ाया था अब तक वो आपके माइंड में था और आपने उन्हीं के हिसाब से नोट्स बनाए थे और आपने उन्हीं के हिसाब से इंटरनल की तैयारी की थी, लेकिन जब आप वापस आए तो वाई ने इंटरनल के क्वेश्चन सेट कर दिए। आप वाई को जानते नहीं, वाई आपको नहीं जानते, वाई ने क्या पढ़ाया आपको नहीं पता और आपने क्या पढ़ा आप उनको नहीं पता, तो ब्रेक हो जाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब वन एम्प्लॉय वन बॉस नहीं है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है अगर मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी है कि बैलून डेकोरेशन तुम करो तो फिर सारी डेकोरेशन तुम ही करना, किसी और को दोगे फिर वो अथॉरिटी चेंज होगी, फिर किसी को बात समझ आएगी नहीं आएगी, एफर्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है एक ही तरफ काम करते रहना, मतलब अगर तुमने एक चीज़ की जिम्मेदारी उठाई है तो फिर तुम ही उठाते चलो, बांटो मत उसे, क्योंकि जितनी बार जिम्मेदारी बार बार डिवाइड होगी, बार बार चेंज होगी, उतनी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आता है सिक्स्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखो और जनरल इंटरेस्ट को आगे लेके जाओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग काम करने आते हैं बड़े सेल्फिश होते हैं, एटीट्यूड बड़ा बिगड़ा हुआ सा होता है, अपने बारे में ही सब कुछ सोच रहे हैं, अपने आप को ही ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, और कई बार लोग ऐसा फैसला ले लेते हैं जिससे दूसरे खराब हो जाते हैं। जैसे करेंटली जेट एयरवेज एक बहुत बुरे टाइम से गुजर रहा है, अब तो खैर दे आर रिवाइविंग एंड दे आर स्टार्टिंग टू कंडक्ट देयर फ्लाइट्स अगेन, बट इफ़ यू रिमेंबर लास्ट व्हेन कोविड जस्ट हिट, या ड्यूरिंग दैट टाइम जेट एयरवेज ने सडनली रातों रात जो है अपनी एयरलाइंस बंद कर दी। ये बातें अंदर अंदर बहुत घूम रही थी, एम्प्लॉयज़ को पता चल गई थी कि कुछ गड़बड़ चल रही है और मैनेजर कुछ करने वाले हैं और बॉस हमारे कुछ करने वाले हैं, पर किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी नौकरी चली जाएगी रातों रात, लेकिन चली गई। कई बार हमारे बॉसेस भी ऐसे फैसले ले लेते हैं, कई बार हमारे एम्प्लॉयज़ ऐसा कुछ कदम उठा देते हैं जो बाकियों को हैम्पर कर देता है। ऐसे में आप ये नहीं सोचते कि दूसरे का घर कैसे चलेगा, उसका परिवार छिन जाएगा, वो कैसे उनको स्कूल की फ़ीस भरेगा रखेगा। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऊपर ना रख के जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन डूइंग दिस कि आपने अपने बारे में सोचा और दूसरे के बारे में नहीं सोचा। ऐसे बहुत लोग करते हैं जब वो कंपनी खोलते हैं, दूसरों के बारे में तो सोचते ही नहीं है। रेन्यूमरेशन, सैलरी है बेसिकली इसका मीनिंग। आप पढ़े लिखे हो, आप अच्छी जॉब लेने आए हो और आपको बोल रहे हैं कि 7,000 में ही बस हम आपको रख पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पे कर सकते, तो ऑफकोर्स आप डिससेटिस्फाइड हो गए। आप सोचोगे 10,000-11,000 तो ऑड नौकरी करके भी मिल जाएगा। इट्स नॉट अबाउट कि कोई नौकरी बड़ी है या छोटी है, बट द पॉइंट इज जब आपने इतनी पढ़ाई करी थी, लोग रोज स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं, रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, बैंक पीओ वाले, एसएससी वाले, क्यों बेचारे इतनी स्ट्राइक्स पे बैठते हैं? बिकॉज उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि वो कुछ ज़्यादा डिजर्व करते हैं, बट स्टेट उन्हें देने को तैयार नहीं है। ऐसा ही बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स कई बार हड़ताल पर बैठ जाते हैं। दिल्ली सरकार में आए दिन दिल्ली हॉस्पिटल्स की नर्सेज और डॉक्टर्स हड़ताल पे बैठ रहे हैं। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है वो 3 से 4 हड़ताल ऑर्गेनाइज करा चुके हैं, क्योंकि उनको उनकी ड्यू सैलरी तो दूर की बात है, न्यू सैलरीज तो दूर की बात है, ड्यू सैलरी भी नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में रेन्यूमरेशन बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपकी एबिलिटी पर, आप कैसा काम कर रहे हो उस पर मायने तो रखते ही हैं यार पैसे। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में से फ्योल को कोई खास ऐसा लगाव नहीं है सेंट्रलाइजेशन से या डिसेंट्रलाइजेशन से। मेजर क्वेश्चन यही है कि बेस्ट क्या है सिचुएशन में। अच्छा, उस टाइम अगर सेंट्रलाइजेशन से काम चल रहा है तो वो कर लो, और अगर डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी लग रही है तो मैं उस मोमेंट पे तो वो कर लो। मतलब इट इज़ अबाउट मेकिंग द मैक्सिमम यूजेज ऑफ योर टाइम। उसमें ये नहीं शामिल है कि वो एम आई राइट और यू आर राइट, इट इज़ नॉट अबाउट दैट। इट इज़ मोर अबाउट रिक्वायरमेंट क्या है। अगर सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है तो वेल एंड गुड, और अगर डिसेंट्रलाइजेशन से लगता है काम ज़्यादा आसान हो जाएगा तो वो कर लो। तो यहाँ पर फ्योल का कोई ओपिनियन नहीं है स्पेसिफिकली जो आपको फॉलो करना है। इसके बाद आता है स्केलर चेन, वेरी इंपॉर्टेंट PYQ।
फर्स्ट पॉइंट आता है दैट कम्युनिकेशन हमेशा टॉप टू बॉटम होना चाहिए, ताकि बॉस अपनी बात एम्प्लॉय तक पहुंचा सके और बातें इधर उधर ना हो। तो हमेशा जो बात है, अथॉरिटी है, कमांड है, वो ऊपर से नीचे फ्लो करे। जो भी बात बॉस को कहनी है वो चुपचाप अपने करेक्ट ऑर्डर में पहुंचा दे नीचे तक। लेकिन अगर बाय चांस उसको खबर मिलती है कि उसका कोई एम्प्लॉई नाराज है या हर्ट है, या उसको हेल्थ फैसिलिटी की ज़रूरत है, या उसका कोई रुका हुआ पैसा है जो कंपनी नहीं पे कर रही है, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपसेट कर रही है एम्प्लॉय को और बॉस को पता चल जाए, इन दैट केस अगर अक्रॉस कम्युनिकेशन करनी पड़े तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हें और एम्प्लॉयज से जानना पड़े कि क्या चल रहा है नीचे, या उससे पूछना पड़े कि क्या चल रहा है बताओ, क्रिस क्रॉस कम्युनिकेशन जस्ट व्हेन रिक्वायर्ड कैन बी डन, जबरदस्ती नहीं, रोज नहीं। वैसे कम्युनिकेशन सीधा टॉप टू बॉटम ही होना चाहिए, बट अगर ज़रूरत पड़े तो आप लेटरल कम्युनिकेशन चूज कर सकते हो। लाइन ऑफ अथॉरिटी शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, रिपीटेड PYQ है। जितनी लंबी चेन उतना ज़्यादा करप्शन, ये समझ लो सिंपल वर्ड्स में, इसको दिमाग में फिट कर लो। जितनी लंबी चेन उतना ज़्यादा करप्शन, जितनी छोटी चेन उतना कम करप्शन, उतनी ज़्यादा क्लेनलीनेस। जितना ज़्यादा आप ये डिफरेंस बढ़ाते चलोगे ना, गैप बढ़ाते चलोगे, उतना ज़्यादा लूटपाट मचेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप झांको तो नीचे दिखे तो कि कौन काम कर रहा है। आप इतनी चेन क्रिएट कर रहे हो, आप नीचे झांक रहे हो, आपको सिर्फ आपका इमीडिएट लोअर वर्कर दिख रहा है, उसके अलावा कोई नहीं। तो स्केलर चेन में ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट आपको अपनी जो चेन है वो छोटी रखनी है, बड़ी नहीं। फिर ऑर्डर आता है। आई थिंक ऑर्डर भी बहुत इजी है, कमांड जहाँ हमने देखी थी वो आपको पता ही है। हर एम्प्लॉय को कंपनी में खास काम के लिए चुना जाता है, ना तो कोई फ्री में लाया जाता है काम करने के लिए, और ना ही कोई नॉन यूजफुल होता है। हर किसी की अपनी वैल्यू है कंपनी में, तो उस हिसाब से उसे ऑर्डर देने चाहिए जिसके लिए उसे बुलाया गया है। अगर आपने किसी को प्यून रखा है और आप उससे कंप्यूटर मैनेजमेंट करवा रहे हो तो ऑफकोर्स गलत है, और आपने किसी को कंप्यूटर मैनेजर रखा है और आप उससे टी सर्व करवा रहे हो तो गलत है। तो जिसके लिए जो ऑर्डर बना है वो बनाना ही असेंशियल है, उसे मेंटेन करना ज़रूरी है। इक्विटी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो फेवरेटिज्म है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। क्योंकि जब आप फेवरेट बना लेते हो दो चार एम्प्लॉयज़ को, तो बाकी एम्प्लॉयज़ हमेशा आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इक्विटी बहुत असेंशियल है, मतलब सबको ये फील होना चाहिए कि मेरी लाइफ का भी यहाँ पे मकसद है, वजूद है। मैं फ्री में आके यहाँ काम नहीं कर रहा हूँ, किसी पे एहसान नहीं चल रहा है, ये मैंने मेहनत से ये पोजिशन कमाई है, ये जगह कमाई है, एंड आई डिजर्व टू स्टे हियर। तो इक्विटी इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग और अ सेंस ऑफ इक्वालिटी, एक ये चीज़ कि हम सबको शामिल किया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है, वो इक्विटी है। अगला आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक जॉब ज्वाइन करो सपोज, और आपको बोला जाए कि हम बता नहीं सकते कि आप कितने दिन काम करोगे, बस करते रहो, देखी जाएगी। तो आप जितने दिन काम पे जाओगे और आपको बोला जाएगा कि आपको बॉस ऑफिस में बुला रहे हैं, आपके माइंड में सबसे पहला डर यही धक धक कर रहा होगा, मुझे काम से तो नहीं निकाल देंगे। तो वो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एक काम में बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आधा दिन तो आपको वही टेंशन में बीत जाता है कि मेरे साथ कहीं ये तो नहीं हो रहा, मुझे निकाल तो नहीं रहे, मुझे निकाल तो नहीं रहे। तो दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, कि आपको कोई एक सहारा मिले स्टेबिलिटी का, कि तुम टेंशन मत लो, तुमको कोई नहीं निकालेगा, तुम मिनिमम इतना काम करो, अपना ढंग से काम करो, ये नहीं कि लापरवाही करो। तो कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए क्लियर क्लियर, कि अगर तुमने बहुत ज़्यादा लापरवाही करी तो हम तुम्हें निकाल देंगे, अदरवाइज तुम्हारा फिक्स टेन्योर है, ये होना चाहिए। फिर आता है इनिशिएटिव। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है, देखो बहुत सारे काम हैं जो अपने खुद से आते हैं, जैसे बहुत सारे क्लासेस होती हैं जो आप लोगों के कहने से होती हैं। मेरे माइंड में नहीं आइडिया आ रहा होता कि मैं ये टॉपिक पढ़ा दूँ, पर बहुत सारी क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स खुद आके कहते हैं कि मैम ये पढ़ा दो, हमने उस पेपर में सॉल्व किया था, हमें समझ नहीं आया।
जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक दिन एक पेपर सॉल्व किया जिसमें पेनोप्टिकन आया। पेनोप्टिकन हमने कभी वेस्टर्न थॉट में पढ़ा नहीं था, तो 5-6 स्टूडेंट्स ने इनिशिएटिव लिया क्लास में पेनोप्टिकन पूछने का। उससे फ़ायदा क्या हुआ, हमने पेनोप्टिकन सीख लिया, हमने बेंथम, फूको, सबके बारे में अलग अलग आइडिया देख लिए। तो आपके इनिशिएटिव से क्लास सबको फ़ायदा मिल गया, मुझे भी और बाकी स्टूडेंट्स को भी। इनिशिएटिव इसको कहते हैं। सबॉर्डिनेट्स को कई बार अपनी तरफ से भी कुछ उठानी पड़ती है अंदर से, दिलचस्पी काम करने के लिए, तभी मज़ा आता है। 14 पॉइंट्स थे, आखिरी पे आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे एस ई नहीं बुलाएंगे, स्पिरिट डी कॉर्प्स बुलाइएगा। ई बस वे, लाइक व्हेन यू स्पीक इट जस्ट कम्स, ओके, इट्स नॉट प्रेजेंट। स्पिरिट डी कॉर्प्स इज हार्मनी, पीस एंड हार्मनी। ये आपको एसएमटी में भी नजर आता होगा, बड़ा प्रिंसिपल है फ्यूल के, ओ सॉरी, टेलर के केस में भी, पीस एंड हार्मनी। स्पिरिट डी कॉर्प्स इज हार्मनी विच इज़ वेरी असेंशियल, बिकॉज अगर आप आपस में रोज लड़ते हो एज एम्प्लॉयज या फिर एज बॉस एंड एम्प्लॉय, वॉट इज इट इक्वल टू? दैट इज इक्वल टू सो मच ऑफ इनडिसिप्लिन, पहली बात। तो दूसरी बात, उसका मतलब ये है कि आपका काम पे फोकस नहीं है, बाकी हर चीज़ पे आपका फोकस है, हर चीज़ पे। तो स्पिरिट डी कॉर्प्स एक जॉइंट एफर्ट का कॉल करता है, हर चीज़ को जोड़ने की बात करता है, कंबाइन करने की बात करता है, स्ट्रेंथ बिल्डअप करने की बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करता है, सो दैट यूनियन क्रिएट किया जा सके, हार्मनी बनाई जा सके, साथ आया जा सके। स्पिरिट डी कॉर्प्स इज इक्वल टू हार्मनी या फिर कलेक्टिविटी। तो हम लोगों ने कंप्लीट करा अपना AFP का रूल, 5-6-14, ओ 6-5-14 नंबर, 6 एक्टिविटीज़, 5 फंक्शंस POCCC वाले। यहाँ हमने टेक्निकल और बाकी स्किल्स देखे, और 14 में हमने करे सारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल आज भी मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल थिंकर्स हैं एंड इट कम्स टू क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। आप लोग मुझे सुप्रीत धमीजा प्रोफाइल पे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी प्लस पे अगर आपने अभी तक नहीं किया है। जाते जाते वापस सुन जाइए, आज 4 बजे से न्यू ऑफर स्टार्ट हुआ है, कल 12 बजे मेरा न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है MCQ, इससे पहले 4 दिन पहले हुआ है थ्योरी। 20% ऑफ सिर्फ एक दिन के लिए चल रहा है, डिस्काउंट कोड सुप्रीत लाइव रेफरल कोड है, लेना मत भूलिएगा। आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन आज रात और कल सुबह से पहले। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करके जाइएगा। सी यू गाइज ऑन सैटरडे इन माई न्यू क्लास। बाय बाय।